जिले में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खुलने का समय जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी दुकानों के खुलने व बंद होने का समय निर्धारित किया है, परंतु शहर में निर्धारित समय के पश्चात भी कुछ दुकानदार नियमों की अनदेखी करते पाए जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ दुकान संचालकों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज किया है। ऐसे ही अन्य मामलों में 4 दुकानों को तहसीलदार सीमा पात्रे द्वारा सील भी किया गया है। कोरोना संक्रमण प्रसार के रोकथाम हेतु रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने आदेश जारी कर व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन हेतु समय सीमा निर्धारित की है। 8 सितंबर को चक्रधर नगर स्थित सुरभि डेयरी और कायाघाट में ओम मेडिकोज को उनके लिए निर्धारित समय पश्चात भी खुला पाया गया, जिस पर तहसीलदार सुश्री सीमा पात्रे और नायब तहसीलदार सुश्री श्रुति शर्मा की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए उक्त प्रतिष्ठान संचालकों के विरुद्ध महामारी अधिनियम के तहत पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई। इसके अतिरिक्त 4 दुकानों को सील बंद भी किया गया। इस संबंध में तहसीलदार ने बताया कि रायगढ़ कलेक्टर द्वारा जारी आदेश की अवहेलना करने और मनमानी तरीके से व्यवसाय संचालित करने वालों पर लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। सिनेमा के आसपास की दुकानें और बोर दादा के सामने की दुकानें खुली हुई थी, जिसको सील बंद कराया गया है। उसके बाद जो कलेक्टर कार्यालय से स्पेशली मार्गदर्शन गाइडलाइन जो आया है, उसमें है कि जो मेडिकल स्टोर है जो अस्पताल परिसर में नहीं है, उसके अलावा जो दूध डेयरी की दुकानें हैं वो सब शाम को 7 बजे बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन दुकानें खुली थी, करीब रात में 8 बजे तक खुली थी। 3 दुकानों पर FIR करवाया गया है। जो दुकान है वो कायाघाट के आसपास के एरिया के हैं, बोर दादा क्षेत्र के हैं। हम डेली अब इंस्पेक्शन करेंगे, क्योंकि हमें हमेशा शिकायत मिल रही है कि इस तरीके का कार्य हो रहा है। एक्चुअल में कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें जो हैं वो सबकी सुरक्षा की दृष्टि से ही है। यदि कोई गाइडलाइन तय हुए हैं, समय तय हुआ है, तो इसका तात्पर्य ये है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे ही सारा कार्य हो जाना चाहिए, ताकि बाद में लोगों के आवागमन ना हो। और यदि ऐसे दुकान खोले रखेंगे तो हम डेली उसके इंस्पेक्शन करेंगे, कार्यवाही जारी रहेगी प्रशासन की तरफ से। थैंक यू सो मच। ब्यूरो रिपोर्ट, समय न्यूज़।